अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक डियर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग हैप्पी और अमेजिंग होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्किन केयर के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी, तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को एक्ने स्किन केयर के बारे में बताऊँगी, और उसके अलावा कहाँ से आपको परचेज़ करना है वो सब भी मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा स्किन के बारे में समझेंगे कि एक्ने स्किन बेसिकली होती क्या है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्ने स्किन के बारे में। एक्ने स्किन ज़्यादातर एक्स्ट्रा सीबम से होते हैं। जब स्किन के अंदर एक्सेस ऑयल और जो हमारी डेड स्किन होती है, डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और जब वो मिक्स होके पोर्स के अंदर, जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसमें जो डर्ट जमा हो जाता है, उसकी सूरत में, उसकी शक्ल में हमें फेस करना पड़ता है। डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं, डॉट्स होते हैं। तो अब ये है कि मैं इसकी ट्रीटमेंट आपको बताऊँगी। स्किन इस किस्म की होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है जब हम फेस वॉश करते हैं, उसके बाद भी थोड़ी देर बाद हमारी जो स्किन है, ऑयली स्किन जो होती है, वो उस पर ऑयल आ जाता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो आज मैं उसको आपको उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगी। ठीक है? ये देखें, ये है बॉडी शॉप का, ये देखें, टी ट्री ऑयल। ठीक है? टी ट्री ऑयल जो है उसके मैं आपको बताऊंगी। ये ख़ास तौर पे जो होता है आपकी एक्ने और एक्ने पिंपल्स और एक्ने स्कार्स जो होते हैं, ये उसको ट्रीट करता है। ठीक है? बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल जो है वो उस आपको, अच्छा आप इसको जो यू, ये तो एक तो आपकी एक्ने को, एक्ने स्कार्स को और पिंपल्स को, ब्लैक हेड्स को ट्रीट करता है। ठीक है? ट्रीट तो करता है ये। ठीक है? इसके अलावा ये जब हम कोई नॉर्मली ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो स्किन है वो चिपचिप सी हो जाती है। तो ये है कि जब हम इस ऑयल को यूज़ करते हैं तो ये ऑयली, इतना हमारा फेस ऑयली नहीं होता है, हमारा फेस रिफ़्रेश हो जाता है, और ये हमारे जो फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है, शाइन होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। ये बहुत अच्छा ऑयल है, ये आपको मैं बताऊंगी। ये आपको जो ब्लैक डियर कॉस्मेटिक की वेबसाइट है इंस्टाग्राम पे, ये आपको उससे मिल जाएगा, और कंपनी से आपको कम रेट्स में मिल जाएगा ये। तो आप इसको ब्लैक डियर कॉस्मेटिक से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, यानी कि जो हम एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, ब्लेमिश के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें ये नंबर वन चीज़ है जो होती है, टी ट्री ऑयल जो होता है। ये मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है, क्योंकि मेरी स्किन भी ऑयली है तो मैंने भी इसको पर्सनली यूज़ किया है। तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव ऑयल होता है, और ये हमें एक्ने स्कार्स को भी साफ़ कर देता है, पिंपल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमने ओपन करके, ये लिक्विड होता है, सॉरी ऑयल होता है, इसको हम ओपन करेंगे और इसको कॉटन, कॉटन में डाल के इसको फेस पे, जो जहाँ जहाँ हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने हैं, वहाँ वहाँ हम इसको लगा लेंगे। डे में भी लगा सकते हैं, हम इसको नाइट में भी लगा सकते हैं, मेकअप से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है? इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको डे बाई डे गाइड करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।